गुड आफ्टरनून क्लास। गुड आफ्टरनून सर। लास्ट क्लास में हम लोग कुछ पॉइंट्स लिख रहे थे, वो बेनिफिट एडवांटेजेस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उस पर हम लोगों ने दो पॉइंट्स लिखा था। पहला पॉइंट था डिसीजन मेकिंग का, दूसरा पॉइंट था प्लानिंग का, तीसरा पॉइंट है मेरे ख्याल से कंट्रोलिंग करके था, कंट्रोलिंग बिजनेस ऑपरेशंस। चौथा पॉइंट था ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद पांचवा पॉइंट था इंटरप्रेटिंग एंड एनालाइजिंग द फाइनेंशियल डेटा, उसके बाद था आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम्स, और लास्ट पे था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, तो हम लोग बात करें जो थर्ड पॉइंट था कि हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूज कैसे करते हैं चीजों को कंट्रोल करने से। कौन सी चीजों को कंट्रोल करना, कौन सी एक्टिविटी को, मैनेजेरियल एक्टिविटीज। तो आप देखिए जो थर्ड पॉइंट है उसमें हम लोग कंट्रोलिंग की बात करते हैं। कैसे, हाउ डू वी एक्सरसाइज कंट्रोल, हाउ डू वी एक्सरसाइज कंट्रोल। पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि कंट्रोलिंग होता क्या है। व्हाट इज कंट्रोलिंग, व्हाट इज कंट्रोलिंग, हाउ वुड यू डिफाइन द टर्म कंट्रोलिंग, एनीबडी from the online side also, if anybody wants to define what is controlling. Hello. So controlling is a function in management accounting that eradicate or correct the or take action according to the corrective. देखिए इसमें क्या है कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से पहले अगर हम लोग जो बाकी का कुछ पॉइंट्स है, नीचे वाला जो कुछ पॉइंट्स है, अगर उसके ऊपर हम लोग फोकस करें कि ऑर्गेनाइजिंग के बाद वाला, या ऑर्गेनाइजिंग से ही हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो कंट्रोलिंग है उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब इट्स अ प्रोसेस। देखिए जब आप मैनेजमेंट के फंक्शन को पढ़ते हैं तो उसमें चार पांच फंक्शंस था। पहला था प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा स्टाफिंग, चौथा डायरेक्टिंग, पांचवा कंट्रोल। यही था ना पांच फंक्शन। तो ये ऑर्गेनाइजिंग क्या है, आप ऑर्गेनाइजिंग को कैसे डिफाइन करें। तो एक्चुअली में ऑर्गेनाइजिंग कुछ नहीं है, लेकिन ऑर्गेनाइजिंग के दो कॉन्सेप्ट को आप लोगों को पढ़ना है, एक ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर, एक फ्रेमवर्क है जहां पे आप प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हैं। और वो स्ट्रक्चर कैसा, बिल्डिंग और वो एसी लगा हुआ, बल्ब लगा हुआ, एलईडी लगा हुआ, ये सब नहीं। वो स्ट्रक्चर कह रहा है मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, स्ट्रक्चर का मतलब वो सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप, जो हायरार्की है उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चर। जब तक आपको पता नहीं होगा कि सुपीरियर कौन है, सबॉर्डिनेट कौन है, कौन किससे ऑर्डर लेगा, कौन किसको गाइड करेगा, इंस्ट्रक्ट करेगा, तब तक आप कुछ काम नहीं कर सकते। तो वो हुआ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। और ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या हो गया कि आपने जब प्लान बनाया तो उस प्लान को सिंपली फॉर्मुलेशन से कुछ काम नहीं होता, आपको करना क्या पड़ेगा, उस फॉर्मुलेटेड प्लान का इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंप्लीमेंटेशन। तो आप जिस तरीके से उस प्लान को इंप्लीमेंट करेंगे, उस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग, राइट। तो मैनेजमेंट हेल्प करता है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में, ऑर्गेनाइजिंग में मैनेजमेंट हेल्प करता है। कैसे, कि भाई आपके पास सारा डेटा रहता है, सारी चीजें रहती है, आपको ये मालूम रहता है कि भाई आपको ये पता रहेगा, जो इंटरनल जो जो मैनेजमेंट की टीम रहते हैं, जो मेंबर्स रहते हैं, उनको पता रहेगा कि कौन सी चीजों को कहां पर करना है, कैसे करना है, पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है,
तो ये सारा जो डिटेल्स है, ये सारा जो आपके पास इंफॉर्मेशन मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा? वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू हम लोग इंटरप्रिटेशन करते हैं. जब जब डेटा का हम लोग जब डेटा को एनालाइज करते हैं तो आपको भी ये पता चलता है, अच्छा ठीक है इस कारण से ये प्रॉब्लम हो रहा है, इसको ठीक करने के लिए अगर ये काम पहले किया जाए, ये काम बाद में किया जाए, तो आप एक सीक्वेंस को बनाते हैं. सीक्वेंस का मतलब आप एक कड़ी को बनाते हैं, उस कड़ी को हम लोग कहते हैं चीजों को ऑर्गेनाइज करना. तो ये सारा ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो आपको कहां से मिलेगा? इट विल कम ओनली टू द इंटरनल मैनेजर्स थ्रू मैनेजमेंट अकाउंटिंग. उसके बाद कह रहा है कि जब आपके पास सारी चीजें हो गई तो अब आपको करना क्या पड़ेगा कि आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? आइडेंटिफाई. क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा? आइडेंटिफाई करना पड़ेगा प्रॉब्लम्स को. क्या करना पड़ेगा? प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. उससे पहले का काम है इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल डेटा. एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस ये दो टर्म है, लेकिन दोनों सुनने में लगता है एक जैसे, लेकिन एक्चुअली में बोथ आर डिफरेंट. आपको पहले इंटरप्रेट करना पड़ेगा और फिर एनालाइज करना पड़ेगा. इंटरप्रेट करने का मतलब चीजों के प्रति एक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना, ये हुआ इंटरप्रिटेशन, राइट? जैसे ये है, ये बोतल दिखा, राइट? तो भाई हमको समझना पड़ेगा कि ये बोतल है आखिर किस चीज से बना हुआ है, इसका वेट क्या है, नहीं है, ये सारी चीजें मुझे देखनी पड़ेगी. अब जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग को इंफॉर्मेशन कहां से मिलता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग से मिलता है. तो वो जो फाइनेंशियल डेटा आया, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया किसको? मैनेजमेंट अकाउंटिंग करने वाले टीम को. तो वो सारा पहले डेटा को इंटरप्रेट करेगा, मतलब उस डेटा के लिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा कि आखिर ये है क्या, ये डेटा किस चीज से रिलेट करता है, राइट? जैसे अगर वो देखेगा तो पहले अब उसको समझ में आएगा कि ठीक है ये सेल्स इतना है, एक्सपेंसेस इतना है, कहाँ पर एक्सपेंसेस हुआ, किस आइटम में हुआ, रेंट कितना है, सैलरी हाइक कितना हुआ. पहले डेटा को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, इंटरप्रेट करना पड़ेगा. जब इंटरप्रिटेशन हो गया डेटा का, तो वो जो मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग हैं उनका काम क्या है? उनका काम है कि उस इंटरप्रिटेशन के बाद वो क्या करें, उसको एनालाइज करें. अब ये एनालिसिस करने में आपको पॉजिटिव्स भी दिखेगा और नेगेटिव्स भी दिखेगा. पहले आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग के बाद आपको उसका विश्लेषण करना पड़ेगा, इन डेप्थ स्टडी करना पड़ेगा, और फिर उस इन डेप्थ स्टडी के बाद आप कुछ निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे कि भाई इसका पॉजिटिव्स क्या है और इसका नेगेटिव्स क्या है, राइट? नाउ वंस यू हैव मेड एन इंटरप्रिटेशन एंड मेड द एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल डेटा, अब आपको आगे बढ़ना है, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई. क्या करना है? प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई. तो प्रॉब्लम कहां पर आ गया? प्रॉब्लम आएगा जहां पर नेगेटिव हो, जो आपने एनालिसिस किया उस एनालिसिस पे जब चीजें आपको नेगेटिव दिखने लगी, देयर लाइज द प्रॉब्लम, वहीं पर प्रॉब्लम है. आपको प्रॉब्लम समझ में आएगा, ठीक है सेल्स बढ़ा, आपने डेटा को इंटरप्रेट करने के बाद एनालाइज किया कि सेल्स बढ़ गया, लेकिन सेल्स बढ़ने के बाद जिस प्रोपोर्शन में सेल्स बढ़ा उस प्रोपोर्शन में प्रॉफिट नहीं बढ़ा. Here is the problem. ये प्रॉब्लम कब आएगा? कब कब आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे? जब आप एनालाइज करें, राइट? गेटिंग द पॉइंट? तो आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया कि ठीक है सेल्स बढ़ा 20% से, लेकिन प्रॉफिट मेरा नहीं बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा केवल 8%, सेल्स बढ़ गया 20% से, तो प्रॉब्लम है वहां पर. रेड मार्क जो नोट जो बनाएगा वो लोग उस पर लिखेगा, क्या लिखेगा? सेल्स प्रॉफिट मिसमैच. क्या लिख देगा? सेल्स प्रॉफिट मिसमैच, मतलब सेल्स बढ़ा, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं बढ़ा, प्रॉफिट भी बढ़ा, लेकिन उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ा जिस प्रोपोर्शन में सेल्स बढ़ा. प्रॉब्लम हैज बीन आइडेंटिफाइड.
राइट। दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है कि जब वो चीजों को एनालाइज करे तो उसको समझ में ये आए कि लेबर की एफिशिएंसी अच्छी नहीं है, लेबर की एफिशिएंसी अच्छी नहीं है। फर्स्ट हाफ में लेबर की एफिशिएंसी अच्छी थी, फर्स्ट सिक्स मंथ्स में लेबर की एफिशिएंसी ठीक थी, इस सिक्स मंथ्स में लेबर की एफिशिएंसी अच्छी नहीं। राइट। उसको समझ में ये आ रहा है कि जो स्टॉक मेरे पास पहले गोदाम में रखा रहता था, पहले वो जल्दी जल्दी निकल रहा था, अब वो स्टॉक देर से निकल रहा है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो जब वो निकालेगा तो उसको समझ में आएगा कि फर्स्ट सिक्स मंथ्स का स्टॉक टर्नओवर रेशियो 8 times था, बाद के सिक्स मंथ्स का स्टॉक टर्नओवर रेशियो घट के 5 times हो गया। कम क्यों हुआ? प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हैज बीन आइडेंटिफाइड, राइट। तो ये आप कब कर पाएंगे? जब पहले तो आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा, पूरा डेटा एक होलिस्टिक फॉर्म में आपको समझना पड़ेगा, और दूसरा जब आपने समझ लिया तब आप उसको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, और जब आपने एनालिसिस कर लिया फिर आपको प्रॉब्लम एरिया आइडेंटिफाई, क्या करना है, प्रॉब्लम एरिया। तो जो मैनेजमेंट से जुड़े हुए अंदर के लोग हैं, जब उन्होंने प्रॉब्लम एरिया को आइडेंटिफाई कर लिया, तो क्या केवल आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम एरिया सफिशिएंट? The answer is no. We need to look into giving the solutions also. आपको solution भी देना है. तो controlling basically क्या है? Controlling एक कैसा managerial function है जो आप steps में perform करते हैं. तो controlling process का जो सबसे पहला step है वो ये कहता है कि you need to make a comparative analysis या comparison करना है. किसके बीच comparison? Target और actual performance. मेरा target ये था, actual performance ये, right? समझ रहे बात? तो controlling का सबसे पहला step क्या है? Making comparison. Comparison between actual performance and टारगेट का मतलब जो मैंने प्लान सेट किया था, प्लान्स गोल्स जो मेरा था, जो मेरा ऑब्जेक्टिव। अब क्या हो गया, कंपैरिजन करने के बाद रिजल्ट निकलेगा ना, डिविएशन तो आएगा। ये सुनो, मेरा जो टारगेट था वो मान लीजिए मेरा स्टैंडर्ड, उस स्टैंडर्ड से क्या होगा, डिविएशन, या तो पॉजिटिव और नहीं तो नेगेटिव। डिविएशन दो तरीके का हो सकता, फेवरेबल और नहीं तो अनफेवरेबल। फेवरेबल है इसका मतलब कि मेरा एक्चुअल परफॉर्मेंस मेरे स्टैंडर्ड से ज्यादा हो गया, और अनफेवरेबल है इसका मतलब मैंने जो अचीव किया वो मेरे स्टैंडर्ड से कम, वो मेरे स्टैंडर्ड से क्या है, कम। तो अगर ऐसा है तो आपको डिविएशन पता चल गया। तो क्या केवल डिविएशन करने से आपका काम खत्म हो गया? डिविएशन का पता लगा लिया आपने कि भाई पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आपका काम खत्म ना। अब आपको ये पता लगाना है डिविएशन के पीछे रीजन क्या है भाई, डिविएशन के पीछे रीजन क्या, रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर डिविएशन, चाहे वो पॉजिटिव डिविएशन हो उसके लिए रीजन क्या है, नेगेटिव डिविएशन है उसके लिए रीजन क्या है। तो पॉजिटिव डिविएशन के लिए अगर कोई रीजन होगा तो वो मेरा स्ट्रेंथ हो, वो मेरा क्या होगा, स्ट्रेंथ, कंपनी का स्ट्रेंथ हो, इंटरनल फैक्टर्स। और अगर नेगेटिव डिविएशन हो रहा है, एडवर्स डिविएशन हो रहा है, तो क्या हो गया, ये मेरा वीकनेस होगा। कैसा ना, अब हम कारण पता लगाएंगे किस कारण से डिविएशन हो रहा है, रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर डिविएशन, कॉजेस रिस्पॉन्सिबल फॉर डिविएशन। अब जब कॉज पता लग गया तो हम टॉप मैनेजमेंट को सजेशन देंगे कि भैया ये कारण से हमारा पॉजिटिव डिविएशन हुआ, इस कारण से हमारा। तो ये हुआ कंट्रोलिंग, यहाँ पे आके कंट्रोलिंग प्रोसेस एंड होता है। इसीलिए जब आपने कंट्रोलिंग पढ़ा होगा तो एक लाइन आपको पढ़ाई गई होगी, जिन भी सर या मैम ने पढ़ाया होगा, कि कंट्रोलिंग इज बोथ फॉरवर्ड लुकिंग एंड बैकवर्ड लुकिंग। पढ़े हैं क्या ये लाइन? कंट्रोलिंग इज बोथ फॉरवर्ड लुकिंग एंड बैकवर्ड लुकिंग। बैकवर्ड लुकिंग क्यों? क्योंकि वो आपने पास्ट में क्या किया उसको बताता है, कि आपने पास्ट में क्या किया उसको बताता है, और फॉरवर्ड लुकिंग क्या, कि पास्ट के आधार पे हम फ्यूचर को कैसे बेहतर कर पाए, ये हो गया फॉरवर्ड। तो पूरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो कंट्रोल प्रोसेस,
कि भाई हम डेटा को इंटरप्रेट करते हैं, अपने कॉन्टेक्स्ट में उसको समझते हैं, पॉजिटिव्स नेगेटिव्स देखते हैं, डिविएशंस का पता लगाते हैं और फिर चीजों को रिजर्व करने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ताकि वो गलतियां आगे दोहराई ना जाए। अब जैसे अभी मैंने बताया कि सेल्स जिस प्रोपोर्शन में बढ़ा उस प्रोपोर्शन में मेरा प्रॉफिट नहीं बढ़ा, ये प्रॉब्लम था। ठीक है, अब पता लगाएंगे कि किस कारण से प्रॉब्लम है। तो पता चला कि हमने सेल्स तो बढ़ा दिया, सेल्स बढ़ाया इसलिए क्योंकि हमने प्राइस कम कर दी। बात समझ में, सेल्स बढ़ा क्यों, क्योंकि प्राइस कम हो गया। प्राइस कम हुआ तो प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। यस नो, पहला कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण शायद ये भी हो सकता है, जब आप और इन डेप्थ जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ठीक है सेल्स तो बढ़ गया लेकिन मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ गया, धंधा करने का जो खर्चा है वो बढ़ गया, रेंटल एक्सपेंसेस बढ़ गया, फ्यूल एक्सपेंसेस बढ़ गया, एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ गई। समझ रहे हैं बात, रॉ मटेरियल क्या हो गया, महंगा हो गया, तो सेल्स तो बढ़ गया ठीक है लेकिन उतना सेल्स जनरेट करने के लिए पहले हम जितना खर्च करते थे अब के समय में उससे ज्यादा खर्च कर रहे हैं, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा। अरे बात समझे, ये आपको पता कैसे चलेगा, जब तक आप उस डेटा को इंटरप्रेट एनालाइज नहीं करेंगे, जब तक आप उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, पिन पॉइंट नहीं करेंगे, तब तक आप इस चीज की जानकारी नहीं रख पाएंगे। हो सकता है ना ऐसा, या ये भी हो सकता है कि आपको इस सीजन जो रॉ मटेरियल खरीदना पड़ा वो महंगा खरीदना पड़ गया। क्या खरीदना पड़ गया, महंगा। जैसे अगर आपको ध्यान में होगा अभी रशिया यूक्रेन में वॉर हो रहा है, रशिया यूक्रेन दोनों क्रूड ऑयल का सप्लायर है, यस नो? यस सर। अब वॉर में क्या हुआ, इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ क्रूड बढ़ गया, इंडिया इज द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल बढ़ गया, अब भारत को महंगा खरीदना पड़ेगा। यस नो? अब जो कंपनियां हैं जो अपने प्रोडक्ट को बनाती हैं, केवल उनका जो इनपुट जाता है वो क्रूड ऑयल पे जाता है, जैसे एविएशन, एविएशन मतलब जो हवाई जहाज वगैरह है, वो चलेगा कैसे क्रूड ऑयल के ऊपर ना, उसका एक अलग से ईंधन आता है, तो जब क्रूड ऑयल महंगा हो गया तो एविएशन जो फ्यूल होता है वो भी क्या हो गया, महंगा हो गया, उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या हो गया, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। या एक मैं और एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे पेंट कंपनी है, एशियन पेंट्स, नरलैक, ये सब जो पेंट बनाती है किसे बनाती है, उसका इनपुट क्या है, क्रूड ऑयल है, अगर उसको इनपुट महंगा खरीदना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा उसका प्राइस बताइए, उसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा लेकिन प्रॉफिट कम हो जाएगा। गेट द पॉइंट? तो ये सारा एस्पेक्ट है जिसको आपको समझना पड़ेगा, और ये सब पूरा डिटेल आपके पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग डेटा आपको प्रोवाइड करवाता है, और उस डेटा का एक आपको इनडेप्थ जो इंटरप्रिटेशन है वो करना पड़ता है। कौन देता है ये सारा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको करने में मदद करता है। Am I clear class? Yes, sir. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दो मिनट रुक जाते हैं, देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, मतलब बोलो बोलो, ठीक है बोलो। और
तुम ज्यादा प्राइस पे कैसे बेचोगे, कैसे बेचोगे ज्यादा प्राइस पे? तुम्हारा तो कॉस्ट बढ़ गया, तुमको प्राइस पास ऑन करना पड़ेगा, तब ना तुम प्राइस बढ़ाओगे। इधर जो तुम पहले 8 रुपए में प्रोड्यूस करते थे उसे 10 रुपए में बेच रहे थे, अब जो तुम 8 रुपए में प्रोड्यूस कर रहे हो उसका दाम ही, उसको प्रोड्यूस करने का कॉस्ट अब 8 रुपए नहीं रहा, 9 रुपए रहा, तब तुमको क्या करना पड़ेगा, 10 का माल 11 11 करना पड़ेगा, तब ना तुमको प्रॉफिट होगा। बात फिर भी अगर तुम देखो, पहले तुम 8 में प्रोड्यूस करके 10 में बेच रहे थे, तुम्हारा प्रॉफिट मार्जिन कितना था, 25% था। अब तुम अगर 8 का माल 9 में प्रोड्यूस करके 11 में बेच रहे हो तो भी 25% का मार्जिन नहीं है, लगभग 22% का मार्जिन है। समझ रहे बात? और वो भी तब करना पड़ेगा, वो तुम तब कर पाओगे जब तुम्हारे पास प्राइसिंग पावर होगा, तुम पास ऑन कर दोगे। तो कंपनियां आजकल इतना कंपटीशन है कि कंपनी इतनी आसानी से प्राइस को बढ़ाती नहीं है। ये बात अलग है कि पीडी लाइट हो गया, जैसे फेविकॉल हो गया, पीडी लाइट वगैरह जो इंडस्ट्री है, जो जो कंपनी है, उसका रॉ मटेरियल क्या है, क्या है, क्रूड ऑयल है। फेविकॉल में से देखिए आपको महंगा आएगा, कासन तेल वगैरह जैसे आता है ना। खैर लिखे आगे, लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सफर्स फ्रॉम the following limitations. Pehla, data based upon financial accounting. Data based upon financial accounting. Hyphen dekhi likhega. Decisions taken by the management team are based upon the data provided by financial accounting, are based upon the data provided by financial accounting. समझ रहे बात? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बहुत सिंपल है कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग डेटा प्रोवाइड करेगा उसी डेटा के आधार पर मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो है वो डिसीजन लेगा। अगर वो डेटा सही नहीं है तो उसका डिसीजन भी क्या हो गया, गलत हो गया। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो डेटा आता है वो क्या होता है, वो आपने एक टर्म सुना होगा, पता नहीं सुना है कि नहीं, विंडो ड्रेसिंग होता है। क्या कहा मैंने, विंडो ड्रेसिंग, विंडो शॉपिंग भी होता है। बड़े बड़े मॉल में गए, खाली घूम जा सकती है, बाहर निकल, दैट इज कॉल्ड विंडो शॉपिंग। लेकिन यहां पे क्या कह रहा है, विंडो ड्रेसिंग है। क्या है विंडो ड्रेसिंग? विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि फाइनेंशियल डेटा को अंडर प्राइस या ओवर प्राइस कर, अंडर प्राइस या ओवर प्राइस कर। अगर मान लीजिए मैं किसी कंपनी का प्रोमोटर हूं, सुनो ध्यान से एग्जांपल जो बता रहा, मैं किसी कंपनी का प्रोमोटर और मुझे मालूम है कि मेरी कंपनी बहुत अच्छा करेगी आने वाले 1-2 साल, क्योंकि प्रोमोटर से अच्छा कौन जान सकता है कंपनी के बारे में, जान सकता है क्या, नहीं जान सकता।
अब मुझे अनुमान है, मुझे पता है कि मेरी कंपनी आने वाले 2 साल में बहुत अच्छा, तो मैं इसका फायदा कैसे उठाऊंगा? मेरे पास कंपनी का शेयर है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मार्केट से शेयर और उठाऊं। यस और नो? लेकिन कम प्राइस पर। किस प्राइस पे? तब ना जब कंपनी अच्छा करेगी तो शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, हमको प्रॉफिट होगा। यस और नो? तो हम कैसे गेम करेंगे? अपने अकाउंटेंट को बोल देंगे, देखो भाई जो एसेट है उसका वैल्यू कम करके दिखा देना, समझ गए? एसेट का वैल्यू कम कर देना, जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका वैल्यू घटा देना। तो जब क्लोजिंग स्टॉक घट गया तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो गया? घट गया। ग्रॉस प्रॉफिट घट गया तो नेट प्रॉफिट क्या हो गया? घट गया। नेट प्रॉफिट घट गया तो सारा आदमी ने सोचा है कंपनी तो बेकार है, कंपनी बेकार है, कंपनी अच्छा नहीं करेगी, इसका शेयर बेच के निकल जाओ। अब उसी समय का हम इंतजार कर रहे थे, आप लोग बेचिएगा और हम खरीद लेंगे, और अगले 3 सप्ताह के, अगले 3 महीने के बाद कंपनी का रिजल्ट बम्पर रिजल्ट आ गया, समझ गए? तो आप लोग आश्चर्य कीजिएगा, कैसा कंपनी है, अभी तो खराब रिजल्ट था, अभी बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया, समझ गए? तो हम बहुत खुश हैं और आप लोग बहुत उदास हो जाइएगा। तो इसको कहते हैं इंट्रोड्यूसिंग, क्यों? एक्चुअल स्टॉक का पोजीशन, एक्चुअल एसेट का पोजीशन बैलेंस शीट में दिखाया नहीं गया। अब मैनेजमेंट टीम जो है वो तो वही ना डिसीजन लेगा जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग दिखा रहा है, और यहाँ तो सब डेटा गड़बड़ है, तो डिसीजन सही तो नहीं हो सकता। हो सकता क्या? नहीं। तो आप जिस तरीके से डिसीजन लेते हैं वो बहुत हद तक निर्भर करता है कि आपको कैसा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाया गया, राइट? यस नो? ठीक है, पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा, लेस नॉलेज। The management decision makers are not supposed to be expert field of economics, finance, statistics, etc. Sir, repeat kijiyega. Management, digital literacy management. Management decision makers are not supposed to be expert in the field of economics, finance, statistics, etc. Next point. Outdated data. Management team receives historical data which may change eventually, when managers are taking the decisions. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, एक्सपेंसिव सेटिंग अप अ मैनेजमेंट अकाउंट सिस्टम, सेटिंग अप अ मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम
requires a huge investment. Requires a huge investment. Full stop. Therefore, companies must do or conduct a cost-benefit analysis देखिए जो पॉइंट हमने लिखा पांचवा पॉइंट जो मैनेजमेंट जो डेटा आउटडेटेड के बारे में है ना डेटा क्या हो गया पुराना अभी आउटडेटेड डेटा का मतलब क्या हुआ मान लीजिए कोई मैनेजमेंट टीम है वो डिसीजन के लिए बैठा उसको डेटा मिल रहा है कब का पास्ट का क्योंकि फिनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है उसका डेटा आपको प्रोवाइड हो रहा है आप डेढ़ महीने के बाद बैठ रहे आप उसको एनालाइज कर उस बेसिस पे आप डिसीजन लेंगे और आने वाला जो समय हो सकता है कि बदल जाए वो डेटा बिल्कुल भी इररिलेवेंट हो जाए समझ रहे बात तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन चूंकि पूरा का पूरा फिनेंशियल अकाउंटिंग से जो उसको इंफॉर्मेशन मिलता है उस पे बेस्ड है तो ये बहुत मुमकिन है कि उसका जो डिसीजन होगा वो चूंकि हिस्टोरिकल डेटा पे होता है इसलिए उसका डिसीजन आने वाले समय में थोड़ा इररिलेवेंट हो जाए या मतलब उसका कोई महत्व ना रहे तो ये कहना गलत भी नहीं होगा राइट तो हम लोगों का ये जो फर्स्ट वाला पार्ट था कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैसे काम करता है उसका एडवांटेजेस और उसका लिमिटेशंस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है राइट क्लास यस कुछ पॉइंट कहीं पे कुछ पूछना उछना है तो बताओ समथिंग दैट यू वांट टू आस्क एडवांटेज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग अनाउंसमेंट एक और पॉइंट था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कहने का मतलब यह हुआ कि यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग होता है जो मैनेजर जो डिसीजन लेते हैं वो क्या करते हैं ना वो जो सिचुएशन रहता है उसके हिसाब से किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए वो डिसीजन लेते हैं और जैसे ही वो स्पेसिफिक सिचुएशन खत्म हो गया वो जो डिसीजन मेकिंग है वो भी हमारा प्लान क्या हो गया खत्म हो गया तो मतलब एक ओवरऑल डिसीजन तो बनता ही है लेकिन जो सिचुएशनल डिसीजन होता है जो इंसिडेंटल जो डिसीजन होता है वो भी मैनेजमेंट अकाउंटेंट अपने स्पेसिफिक गोल्स को अचीव करने के लिए लेते हैं ठीक है yes. Something else, class, that you want to ask?
नथिंग मोर टू आस्क? चलो ठीक है फिर, मैं लाइव इस रिकॉर्डिंग जो है मैं उसको एंड कर रहा हूँ, क्योंकि अटेंडेंस के लिए सबको वेट करेगा।